नमस्ते, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हम जींद आए हैं उपचुनाव कवर करने। हम नेताओं से मिले, लोगों से मिले, भाषण सुने और रैलियों में भी गए, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिला जिनका जनता चाहती है। अब हम जनता के बीच आए हैं और जनता से पूछेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। अभी हम जींद के एक बस स्टैंड पर हैं। रजत जी, दिखाएंगे आपको ये बस स्टैंड। पिछले 35 साल से इसी हालत में है और लोग कहते हैं कि सरकारें आई गई बदली, लेकिन बस स्टैंड की हालत नहीं बदली है। अभी एक बस स्टैंड नया बनाया गया है, लेकिन ये बस स्टैंड फिलहाल वक्त ऐसा ही है। सड़कों की हालत हम अभी आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर विनय सुल्तान जी वहाँ पर हैं। हम यहाँ पर पानी पिलाने वाले ये एक अंकल हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। जींद, आप कितने साल से हैं सर यहाँ पे? यहाँ से जी 35 साल तो हो गए। 35 साल बस स्टैंड की हालत ऐसी ही है? ऐसी है जी, जैसी थी वैसी है जी। सरकारें क्या करती हैं? हाँ जी, सरकारें क्या करती हैं? सरकारी जी जी सरकारें क्या करती हैं यहाँ पे? लोग मिलने आते हैं आपसे कोई? हाँ, पानी पिलाने आते हैं जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तो 52 साल की होगी। 52 साल की, तो पेंशन तो अभी आपकी नहीं आती होगी? नहीं नहीं। क्या क्या सरकार वादे क्या करती है यहाँ पर आती है तो? सरकार कुछ नहीं चाहिए हमने। सरकार नहीं चाहिए? सरकार कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सरकार? सरकार देती कुछ नहीं हमको, ये करे हमें। पैसा आता है वो कहाँ खर्च होता है? पैसा कड़ा आता है। आपको पता है नेताओं पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं मिलते हमको पूरा। आपको नहीं मिलते? आप ये सेवा कितने साल से कर रहे हैं? हमने 30-35 साल से बता रहे हैं। आप दोनों ही लोग हैं यहाँ पर? ना, जननानी है। मेरी मम्मी तो गुजर गई जी, वो पिलाया करती पहले जी। अच्छा, अब मैं पिलाता हूँ। तो अब आप पिलाते हो? हाँ, 7 साल हो गए गुजरी ने जी अब। अच्छा अच्छा, 7 साल से आप दोनों लोग जी। आप बताइए कैसा है जींद का हाल और इस बस स्टैंड के बारे में? जींद का हाल तो बुरा ही है जी। कहाँ से हैं? मैं तो हिसार से हूँ। हिसार से हैं? अभी आप हिसार की बस लेंगे? हाँ जी। तो कहाँ है हिसार की बस? सर्विस ठीक है? सर्विस ठीक है, वैसे सर्विस नहीं है, रोड सब बेकार है, टूटे फूटे पड़े। टूटे फूटे पड़े हिसार के लिए तो हाईवे होगा ना? हाईवे है हिसार के लिए, तो वो भी टूटा पड़ा है? वो भी कोई ऐसे नहीं है रोड। अच्छा, वैसे कोई टाइम पे आती है वो नहीं आते, बस ऐसे ही हाल है। नेता वैसे मिलते हैं आपसे? कुछ नहीं मिलता कोई किसी को, कोई सुविधा नहीं है किसी की भी। तो अभी तो देखो सारे 4-5 जो भी हैं प्रत्याशी विधायक के, वो सारे सब ऐसे फिर रहे हैं, कोई आप अपने वोटों के चक्कर में फिरते हैं कोई? अच्छा, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता जी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी कोई सुविधा नहीं है, गरीब आदमी तो वोट ले लेते हैं उसके लात मारते पीछे। तो आप बोलते नहीं लात मारते? क्या करें, क्या बोले, क्यों नहीं बोलो? सुनाई नहीं करता कोई, गरीब को सुनाई नहीं करता कोई। आप मिलने जाते हो, जब नहीं मिलने मिलते ही ऐसे ऐसे है। और राशन कार्ड की सुविधा नहीं कोई, जो गरीब आदमी उनके BPL कार्ड नहीं है, बच्चों के पैसे आने बंद हो गए, स्कूलों के बच्चों को योजना के पैसे, जो बच्चों को स्कूलों के पैसे मिलते थे गरीबों को, वो भी बंद हो गए बिल्कुल ही। और जो सब्सिडी वगैरह मिलती है? हाँ, वो भी बंद हो गई बिल्कुल ही, वो सब बंद हो गई। गाँव का हाल वैसे बुरा हाल है जी। कौन सा गाँव? अपना नांदड़ी गाँव। नांदड़ी गाँव जी, हिसार में पड़ता है? हिसार में। तो वहाँ से तो दुष्यंत है? हाँ, वहाँ के दुष्यंत कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या कैसा मिजाज है, किसके लिए वोट करें? अभी देखो कांग्रेस की गई है ज्यादा, कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं बनाए, लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हैं, रोड टूटे पड़े हैं, परिवहन की सुविधाएं नहीं। हम युवाओं से बात करेंगे। ये भाई साहब कहाँ से हैं आप? कृष्णदो गांव है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी कहाँ से हैं आप? कृष्णदो गांव से। कृष्णदो गांव, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ हरियाणा होमगार्ड में। हरियाणा होमगार्ड में? होमगार्ड में। क्या वहाँ कैसी परिस्थिति है? आप यहीं से लोकल हैं? कृष्णदो उचाणा जींद में। जींद में नहीं आता वैसे। तो आप किस यहाँ से विधायक कौन? यहाँ से तो हम JJP को ही जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, JJP से कोई परिवार में है? परिवार में नहीं है, वो युवा है, उनकी नई पार्टी है, उनकी सोच अच्छी है। तो युवा की सोच अच्छी होती है? हाँ, होती है, इसमें उनको वो निकल के जाता है ना। क्या कह रहे हैं? सुरजेवाला भी युवा कैंडिडेट है, बहुत युवा कैंडिडेट है सुरजेवाला। नहीं, मैं तो कर्मचारी बाहर, मतलब यहाँ मेरे वोट नहीं है। अच्छा, वोट नारायण में है। अच्छा, तो मैं बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ इलाके में सुरजेवाला की हवा जी। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उनकी हवा है यहाँ पे, हवा टाइट हो रखी है दरअसल इस वक्त, सभी पार्टियों की कड़ा मुकाबला चल रहा है। हम और भी लोग हैं यहाँ पे, हमें दिखेंगे, उनसे बात करेंगे जी। आप बताइए कहाँ से हैं आप? जींद से ही हैं आप? क्या नाम है? पूना। यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई आने वाला। अच्छा, बताइए आप जींद के बारे में, आपने जो देखा है, कितने साल से रहते हैं आप जींद? मैं 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो कैसा हाल है, कुछ बदला है या फिर वैसा ही है? कुछ नहीं बदला, इतने टाइम से तो सड़कें ही जो वर्किंग में चल रही है, इतनी दिक्कत आ रही है हमें, स्कूल में जाते हुए भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी ऐसे पड़ी हुई है। और जो महिलाओं के इश्यूज है, वुमेन सेफ्टी है, वो सब उसके बारे में कैसा है? मतलब अपराध है ज्यादा, गुंडागर्दी है नेता वेताओं? वो तो जी वैसा ही है, कुछ चेंज लगा नहीं है उसमें तो।
लड़कियों की सेफ्टी की वही प्रॉब्लम रहती है। रात को निकल सकती है? नहीं। और विमेन कॉलेजेस वगैरह की हालत जी? उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हम वर्किंग है तो हमें तो अपने वर्किंग के रिगार्डिंग ही इस चीज़ के बारे में। कहाँ काम करती हैं? मैं डीएवी स्कूल में काम करती हूँ। तो स्कूलों की हालत, सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है जो कि आमतौर पर खराब ही होती है हमारे यहाँ पे? यहाँ पे मोस्टली मैंने तो सरकारी स्कूलों में इतना देखा नहीं, पर पहले से इम्प्रूवमेंट है स्कूलों में तो काफी। सरकार का देखा है? किसका इम्प्रूवमेंट है? स्कूल अपने लेवल पर करते हैं या फिर ऊपर से मदद? टीचिंग भी अब काफी इम्प्रूव हो गई है, टीचिंग में भी लोग मतलब टीचर भी थोड़ा सा एफर्ट्स करने लगे हैं। बच्चे जो पहले बिल्कुल डल बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे, उसमें तो काफी इम्प्रूवमेंट लग रही है टीचिंग में तो। क्या बीजेपी सरकार आने के बाद ये हुआ या उससे पहले? नहीं, हमने तो ये तो खैर काफी चेंज है वैसे तो बीजेपी सरकार के आने के बाद, ऐसा तो नहीं है। और कोई इश्यूज आपके जो हों? चलिए, ये कह रहे कि महिलाओं की सेफ्टी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, स्कूलों के बारे में भी उनका आप यू हम ये यहाँ पर युवा साथी हैं जी, आप बताइए। सर, मेरा नाम नीरज कौशिक है। नीरज को कहाँ से? दिल्ली हेयर। क्या काम कर रहे हैं? सिस्टर के घर पे आया था यहाँ पे अभी। अच्छा, तो आपको भी चुनाव के लिए तो नहीं बुलाया? नहीं नहीं, नो सर। अच्छा, मैं अपनी सिस्टर के घर पे आया था, रिलेटिव थे हमारे। अच्छा, तो मुझे उस रिलेटेड आया था मैं यहाँ पे। तो आप तो लोकल है नहीं जी, आप कहाँ से? मेरी तो वोट नहीं है। आपकी वोट डालते नहीं आप? डिस्ट्रिक्ट सारे नहीं, मेरी डिस्ट्रिक्ट सारे तो वोट नहीं आपकी डालते ही नहीं। मेरी आड़े ड्यूटी है डब। अच्छा, तो आप बोलेंगे नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ वही तो। बताइए, जींद के बस स्टैंड का हाल आप तो देखते होंगे, कितने साल से आप यहाँ पे? वोट नहीं है, आप इंसान तो है, नागरिक तो है। दो साल हो गए मैं तो यहाँ। दो साल हो गए सारे टाइम में ऐसे ही है, मतलब जब से आप आए गदर हो रहे गदर है। और रोडवेज की जो स्ट्राइक हुई थी पीछे, उसमें आपका भी हाथ था, आप भी थे शामिल उसमें, किस तरफ थे? मेरा कोई हाथ नहीं। डरिए मत। हाँ डरना था, मैं क्या करना यार। चलिए, गुस्सा हो गए। आगे हम यहाँ पे चलेंगे, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, आपको जींद का हाल दिखा दें, इस बस स्टैंड का हाल दिखा दें, रजत जी आपको दिखाएंगे। उधर स्वच्छ भारत का नज़ारा आप एक बार देख लीजिए, पूरा सड़कों पर बिखरे पड़े हैं सारे जो भी हैं। हमारे साथ कुछ कॉलेज की छात्राएँ हैं, उनसे हम बात करेंगे जी। आपका नाम? काजल। काजल जी, क्या आप कॉलेज में स्टूडेंट? जी हाँ। नहीं, कॉलेज में जी। ये कॉलेज में स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं आप? हम बीएससी। बीएससी, तो कैसा हाल है कॉलेज का, कैसा माहौल है, पढ़ाई होती है नहीं होती? हाँ, बढ़िया है। बढ़िया होती है? हाँ। सरकार सुविधा सारी दे रही है? मास्टर हाँ, रहते हैं सारे? हम हिंदू में है? हिंदू में है। हिंदू कॉलेज में हाँ। पढ़ाई होती है ना वहाँ? हाँ। चलिए ठीक है जी। जी आप बताइए। हाँ जी, मैंने यहाँ पे दुकान रखी है। दुकान है? यहाँ डेली शाम को आते हैं, ये सारा कचरा वगैरह ऐसे ही अब गिरा रहता है। वो एक दो बार बोला भी गया इनको, अब कम से कम यहाँ जो अब चौकीदार लगाया हुआ है वो सफाई तो करवाए कम से कम। सफाई भी नहीं होती? नहीं, सफाई होती ही नहीं है जी। सफाई तो हम दे रहे हैं, सफाई तो है नहीं बिल्कुल भी, ये सारा कचरा पड़ा इधर। आप यहीं रहते हैं, आपकी दुकान है? हाँ जी। अच्छा, कितने साल से हैं? मैं 5 साल से यहीं हूँ। कहाँ से हैं? वैसे हूँ दादरी से। दादरी से? दादरी में कहाँ से? दादरी में अब प्रोफेसर की दादरी मिर्च गाँव है जी मेरा। अच्छा, तो आपका वोट नहीं है, बाप रिश्तेदारों ने बुलाया आपको? हाँ हाँ जी, प्रचार करने के लिए, यहाँ प्रचार करने के लिए आए हुए हैं जी। कौन सी पार्टी से हैं? जेजेपी की से। जेजेपी से हैं, तो जेजेपी से उम्मीद है आपको? उम्मीद ये है ना जी, क्योंकि हमने बीजेपी को देख लिया, चौटाला को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, यहाँ जो जींद शहर है अब पिछले से 10 साल तो अब कांग्रेस ने राज किया, उसको विकास नहीं हुआ। 10 साल से तो इनेलो के थे क्या जी? विधायक कहाँ से? नहीं तो गवर्नमेंट तो कांग्रेस की थी, विधायक तो किसी का भी हो, अगर गवर्नमेंट एक बार बन जाती है तो काम तो होना चाहिए ना कम से कम। है ये काम तो होता है, ये थोड़ी अगर यहाँ से हमारी पार्टी का विधायक बना है तो ही काम होगा, वो तो जनता का काम है, विधायक सुन ले। लेकिन जब अब एक बार गवर्नमेंट जैसे गाँव में करते हैं, हम गाँव में सरपंच बन गया, अब उसका ये काम थोड़ी है जिस पार्टी ने वोट नहीं दिया हम उसकी गली नहीं बनवाएं या ये नहीं करवाएं, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कम से कम। अब ये नई पार्टी है, एक मौका, हम तो ये चाहते हैं कि एक मौका भाई को मिले। क्या अलग है दिग्विजय? ये है जी, ताऊ देवलाल की छवि है इसमें, और इसके जो विचार हैं, यंग लड़का है और इसके विचार बहुत अच्छे लगे जी। वैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, पीछे सुरजेवाला भी यंग है। कौन से? नहीं नहीं, चलो वो कह रहे हो सुरजेवाला भी यंग है, नहीं तो कोई अबे चौटाला भी यंग है। अब एक चीज बताओ, वहाँ आप कैसे लड़कों को छोड़ के यहाँ आके, यहाँ आके अब यहाँ पे चुनाव खड़े, चलो अच्छी बात है, कोई प्रजातंत्र है, कोई कहीं से खड़ा हो सकता है, लेकिन जो ये जो मेन जो चीज है ना,
इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये आ रही है क्योंकि कांग्रेस भी तो यही थी। क्या समस्या है, कोई समस्या है आपको जींद में? कोई समस्या हाँ जींद में, यहाँ पे जो अपने कचरा की जो है ना ये बहुत ज्यादा समस्या है। आप सुनिश्चित करेंगे कि अगर दुष्यंत या दिग्विजय यहाँ से बने तो वो खत्म हो? हाँ जी करवाएंगे ना, बिल्कुल करवाएंगे। अगर नहीं हो तो सवाल पूछेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल पूछेंगे ना जी। चलिए हम आपसे मिलेंगे, अगर वो बनते हैं और नहीं होता है तो आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, आप कहाँ से हैं भाई साहब? लडानी से। लडानी से, यही आपका वोट यहीं पर? हाँ ये। अच्छा क्या आप काम क्या करते हैं? लडानी के। डिजाइन के? लडानी का काम। अच्छा काम क्या करते हैं? काम कुछ नहीं, दसवीं में पढ़ो। दसवीं पढ़ते हैं। क्या रोजगार वगैरह? क्या रोजगार? पाँच किले हैं, पाँच किले हैं। अच्छा बाबू जमींदार है। तो क्या सरकार कुछ प्रचार वचार के लिए आए थे ना? ठीक है चलिए, ये हमने आपको दिखाया इस बस स्टैंड की हालत, सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का एक जो बना दिया गया कि हो रहा है, रजत जी ने आपको दिखाया भी होगा, फिर से दिखाएंगे, छिलके पड़े हैं, कचरे पड़े हैं, विकास के नाम पर हवा बना दिया गया है, लेकिन हुआ दरअसल कुछ नहीं। आगे भी हम और भी लाइव करेंगे, वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए dlalintop.com। थैंक यू।